अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेजबान सुल्तान, आप देख रहे हैं सारा न्यूज। मोहम्मद बिन उमर याफई अलमारूफ मोहम्मद पहलवान, इनके इंतकाल की खबर जैसे ही सुबह आम हो गई, इनके चाहने वाले इनके आखिरी दीदार के लिए फार्म हाउस वाके बंडागुड़े पर पहुंचने लगे। दिन भर लोगों का आना जाना चलता रहा। शहर की अहम शख्सियात ने भी मरहूम के दीदार के लिए इनके फार्म हाउस पहुंचने लगे और इनके अफराद खानदान को पुरसा दिया। अहम शख्सियात में एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान, एडिटर मुंसिफ जनाब खान लतीफ खान, मैनेजिंग एडिटर सियासत जहीरुद्दीन अली खान, एमबीटी सदर मजीदुल्ला खान फरहत, एमबीटी कायद अमजदुल्ला खान खालिद, कांग्रेस लीडर फेरोज खान, कांग्रेस लीडर उस्मान बिन मोहम्मद हाजरी के अलावा कई दूसरे अहम शख्सियतों ने इनके फार्म हाउस पहुंचकर इनके अफराद खानदान को पुरसा दिया और नमाज जनाजा में शिरकत की। नमाज जनाजा जामा मस्जिद बारकस में अदा की गई। इनके आखिरी दीदार बारकस प्लेग्राउंड पर कराया गया। नमाज जनाजा और जुलूस जनाजा में हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे और अपने हर दिल अजीज शख्सियत को देखने के लिए उमर पड़े। तदफीन बालापुर में मस्जिद उमर से मुतसिल कब्रस्तान में अमल में आई। एक इंसान की शख्सियत के बारे में कहना बहुत मुश्किल है जी, इसलिए कि जो काम मोहम्मद पहलवान ने किया वो सारे हैदराबाद को जी उससे वाकिफियत है जी। इसलिए कि मैं जानता हूँ कि जितने भी जमीनात का वो कारोबार किए थे अल्लाह के फजल से हर एक को मुतमिन करें और उसकी ज़्यादा की हिफाजत करते हैं। एक ऐसे नेक इंसान के लिए आप देख रहे हैं कितने लोग जमा हैं और मैं समझता हूँ कि हज़ारों की तादाद में लोग सुबह से हैं और मैं समझता हूँ कि उनकी मौत सारे हैदराबादियों के लिए एक बड़ा नसीब है, शांति हैदराबाद की हो। आपसे बहुत अच्छे ताल्लुक थे, मेरे बहुत अच्छे ताल्लुक थे और मेरे से बहुत अच्छे ताल्लुक थे मेरे एक छोटे भाई के जैसे थे और मैं अब दिलो जान से उनको चाहता था। बहुत बड़ा लॉस है ये मेरे लिए, खुद भी एक बहुत बड़ा लॉस है।